मेरे पुरानी साड़ियों में से बनाए हुए आउटफिट्स वाले वीडियोस के नीचे आप लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं कि सिल्क की साड़ीज में से कुछ बना के दिखाओ, बनारसी साड़ी का कैसे कोई आउटफिट बनाए वो बताओ। आज हम ये सिल्क की साड़ी में से एक आउटफिट बनाने जा रहे हैं और मैं ये सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरे एक बहुत ही स्पेशल क्लाइंट, मेरी बेस्ट फ्रेंड की साड़ी है। इनकी मैंने पिछले 10-12 सालों में 200 साड़ियों को कन्वर्ट करके बहुत खूबसूरत आउटफिट्स बनाए होंगे और अभी इन्होंने मेरे को ये बहुत ही प्यारी नेवी ब्लू और टर्कोइज कलर में ये सिल्क में साड़ी भेजी है। ये एक बहुत ही प्यारी गैबर्डीन सिल्क में पीकॉक ग्रीन थोड़ा डार्क टर्कोइज कलर में साड़ी है और इसका जो पल्लू और सारी साइड का जो बॉर्डर है वो नेवी ब्लू कलर में जामामार में है। इस साड़ी में अच्छी बात क्या है कि पल्लू हैवी होने के साथ साथ इसका आगे का जो ये वाला पार्ट भी है उसमें भी हमें डिजाइन मिला हुआ है। लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना 20 इंची का सिर्फ पल्लू पे लटकते वाले पार्ट के ऊपर ही डिजाइन है, रादर आगे पूरा ये 1.5 मीटर तक पूरा ये वाला डिजाइन है। तो हम इसको अलग तरीके से यूज करेंगे और इसको अलग तरीके से यूज करेंगे। मेरी ये जो फ्रेंड है इनकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है, इनके लिए ये जो दो कलर्स हैं इनको हम ऐसे यूज करेंगे कि उसमें कोई ऐसा कलर ब्लॉकिंग वाला एलिमेंट आए भी पर उनकी हाइट और शॉर्ट ना लगे। तो उन चीजों का ख्याल रखते हुए उनके लिए मैंने ये डिजाइन तैयार किया है। यूजुअली जब ऐसी सिल्क में हैवी सिल्क में साड़ीज आती हैं तो पहला ख्याल आता है कि कुछ अचकन में कुछ बना लिया जाए या कुछ कोट स्टाइल बना लिया जाए, पर जैसे मैंने बताया मैंने इनकी ऑलरेडी बहुत साड़ीज को कन्वर्ट करके आउटफिट्स बनाए हैं तो वैसे स्टाइल्स इनको मैं पहले काफी बार दे चुकी हूँ और इस बार इनको थोड़ा सा वेडिंग्स के लिए, थोड़ा फेस्टिवल्स के लिए थोड़ा ट्रेडिशनल आउटफिट ही चाहिए था। तो इनके लिए हमने ये शॉर्ट पेपलम स्टाइल कुर्ती के साथ शरारा डिजाइन किया है। अभी इनकी कुर्ती के लिए इनकी ये जो साड़ी से सारा जो प्लेन फैब्रिक है ये हम यूज करेंगे। इसको मैं प्लेन भी दे सकती हूँ बिना कलियों वाला भी और थोड़ा एक प्रिंसेस पैनल डाल के थोड़ी सी एक फ्लेयर देने के लिए कलियां भी डाल सकती हूँ। और इसका जो ये खुला खुला वाला जो जाल वाला पार्ट है इसमें से हम इनकी स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स निकालने के बाद भी हमारे पास ये थोड़ा सा ये वाला फैब्रिक बचेगा तो उसको हम ये सेंटर में नेकलाइन के अंदर पैच करके उसके अराउंड अलग से कुछ थ्रेड में कुछ दबके में एम्ब्रॉयडरी एड ऑन करके एक अच्छी सी नेकलाइन बन जाएगी। देन बात करते हैं ये जो हमारे पास साड़ी का पूरा नेवी ब्लू कलर में जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को मैं पूरे का पूरा इनके शरारे पे यूज करना चाहती हूँ। हमारे पास ये 8 मीटर बॉर्डर है और शरारे में यूज करने के बाद हमारे पास शायद थोड़ा बहुत बचेगा तो उसको कहीं स्लीव्स में आगे यहाँ पे ले लेंगे या फिर उसको बाद में देखेंगे कि क्या करना है। अभी जब बात आती है कि इनकी हाइट शॉर्ट है तो यहाँ पे अगर आप स्केच किया हुआ देख रहे हैं तो इसमें एक थोड़ा कलर ब्लॉकिंग वाला एलिमेंट लग रहा है। अभी अगर इनको मैं यहाँ से लेके एकदम नीचे इतना चौड़ा बॉर्डर दे दूंगी, लाइक ऊपर से कुर्ती आ रही है ग्रीन कलर की और देन उनके जो शरारा है वो भी ग्रीन है, नीचे वाला पार्ट वी आर गोना मेक इट नेवी ब्लू, बट अगर ऐसा ग्रीन के बाद अचानक से नेवी ब्लू का देंगे तो वो कलर ब्लॉक हो जाएगा एंड उनकी हाइट वहां पे कट जाएगी। वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट। अगर आपने मेरी शॉर्ट हाइट वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने सुना होगा कि मैं बताती हूँ कि अगर ऐसा कुछ डबल कलर लेना है तो उसको ओमरे डाइंग में ले। तो इसमें हम नीचे से जो नेवी ब्लू कलर है उसको ऐसा थोड़ा शेडिंग में ले लेंगे और एक ओमरे इफेक्ट दे देंगे। उसमें एक हार्श लाइन नहीं बनेगी, एक विजन जो है वो पूरा ब्रेक नहीं होगा, रादर जब ग्रीन से ब्लू में जाते होंगे तो वो शेडिंग में एक विजन फ्लो कर जाएगा एंड उनकी हाइट शॉर्ट नहीं लगेगी। अभी यहाँ पे यू कैन सी कि हमने यहाँ पे भी बॉर्डर दिया है तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पे फिर से ब्रेक हो रहा है, बट नो, यहाँ पे जो ये बॉर्डर दिया है वो मैं ये नेवी ब्लू वाला बॉर्डर नहीं लूंगी, रादर ये वाले जो पार्ट में जो हमारे पास बॉर्डर है इसका बेस ग्रीन कलर का ही है तो हम ये वाला बॉर्डर देंगे। तो जैसा आपने मेरी शॉर्ट हाइट वाले वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं उसमें बताती हूँ कि अगर आपकी हाइट शॉर्ट है और आपको घेरे पे कुछ एम्ब्रॉयडरी या बॉर्डर लेना है तो ट्राई कीजिए कि वो बॉर्डर सेम ही कलर में हो। वो जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है वो आपकी शर्ट के या लोअर के जो भी जिस पे भी आप एम्ब्रॉयडरी ले रहे हो उसी कलर में हो। तो इस साड़ी में हमारे पास सारा बॉर्डर तो है नेवी ब्लू कलर के ऊपर, बट बाय चांस यहाँ पे जो बॉर्डर है वो कंटिन्यूएशन में ग्रीन कलर के ऊपर ही है तो हम ये वाला बॉर्डर इनकी जो कुर्ती है उसके घेरे पे देंगे। बट बॉर्डर इतना नहीं है कि उसको फ्रंट और बैक घेरे पे दोनों पे ले ले तो हम सिर्फ फ्रंट पे ही देंगे। देन एक और इस साड़ी में बहुत प्यारी जो चीज है वो है इसकी हैंडमेड ये लेस। आजकल जो साड़ीज या कुछ भी आता है उनमें ऐसी लेसेस आपको नहीं मिलेंगी।
ये बहुत ही पुरानी जो विंटेज जो आपके कपड़े होंगे, साड़ियां होंगी, जो ओढ़नीज होंगी, उनमें ऐसी हैंडमेड लेसेस होती हैं, तो आई वॉन्ट टू सेव दिस। ये वाली लेस को मे बी हम काट के ऐसे आगे यहाँ पे घेरे पे दे देंगे, बट आई एम यूजिंग दिस फॉर श्योर। देन बात करेंगे हमारे दुपट्टे की। अभी दुपट्टे पे मैं ये जाल वाला पार्ट देना चाहती हूँ, बट हमारे पास ये जो जाल है ये पल्ले में ये हमारे पास इतना ही है, इसकी विड्थ लगभग 1 मीटर होगी, तो इसमें हम पूरा बड़ा दुपट्टा नहीं बना सकते हैं। अगर बड़ा दुपट्टा बनाना चाहते हैं तो हाँ, हम हाफ हाफ करके यूज कर सकते हैं कि एक साइड पे पल्ले पे इतना बॉर्डर दे दें और दूसरा हाफ इधर दे दें। एंड वैसे भी मेरे एक क्लाइंट की हाइट शॉर्ट है, तो इनको मैं दुपट्टे पे पल्ले पे बहुत चौड़ा बॉर्डर नहीं भी दूंगी। बट अगर कोई क्लाइंट ऐसा हो जिसकी हाइट टॉल है और उसको लंबा दुपट्टा चाहिए, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि इसको आधे में से काट लेंगे और उनको इतना चौड़ा ही दुपट्टा देंगे, जिसको हम जनरली स्टोल भी बोलते हैं। तो इसको अगर हाफ में काटते हैं तो हमारे पास फिर भी इतना चौड़ा बॉर्डर बच जाता है, मतलब इतना चौड़ा हम दुपट्टा बना सकते हैं, एंड साइड्स पे कुछ और बॉर्डर्स वगैरह लगा के दुपट्टे की विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स के मेरे क्लाइंट की हाइट कैसी है, उनकी बॉडी टाइप कैसी है, तो उनके अकॉर्डिंग मेरे को जो बेस्ट लगेगा आई विल मेक दैट। और दुपट्टे को, क्योंकि हमारा ड्रेस भी जो है ज्यादा कोई हैवी नहीं है, मोस्टली प्लेन ही है, तो मैं दुपट्टे पे एडिशनल एम्ब्रॉयडरी करके उसको थोड़ा सा दुपट्टे को फिल अप करेंगे, और दुपट्टे के इसके साइड पे जो फिनिशिंग है वो हमें साड़ी में से ही फैब्रिक्स जो बचेंगे उसमें से हम निकाल लेंगे। देखो सारे की सारी ग्रीन जो ये फैब्रिक है ये पूरा उसके कुर्ती में तो यूज होने नहीं वाला है, और शरारा भी क्योंकि हम उम्रे डाइंग में करना चाहते हैं तो वो भी अलग फैब्रिक लेके उसमें करवाना पड़ेगा। तो ये ग्रीन और ये साइड पे जो प्लेन ब्लू फैब्रिक है इसको मैं यूज करके दुपट्टे का बॉर्डर बना लूंगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं इस आउटफिट का पूरा प्रोसेस। अभी हमारे पास ये साड़ी के लिए फैब्रिक जो हमने डाई करवाया था, इसके जो क्यूलॉट्स के लिए जो हमने फैब्रिक डाई करवाया था वो सब डाई होके आ गया है। ये इसकी शरारे की इसकी लाइनिंग है, और ये इसका शरारे का फैब्रिक जिसको हमने पहले से कलियां डाल करके भेजा था, ओम्ब्रे इफेक्ट में ये डाइंग होके आई है। जब हम कलीदार कुछ भी अगर ओम्ब्रे डाइंग में करवाना होता है तो उसकी कलियां पहले स्टिच करके भेजनी पड़ती है, एंड देन फिर उसमें जो डाइंग का इफेक्ट आता है वो सब बहुत ही हर एक कली के ऊपर एकदम बराबर इवन में आता है। अगर हमारा शरारा ओम्ब्रे में है तो हम उसके नीचे जो लाइनिंग है वो भी ओम्ब्रे में ही देंगे। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको डबल शेडेड में लाइनिंग देनी है, बट हमें अच्छा लगता है कि हमारा पीस बाहर से जितना सुंदर है, अगर कोई उसको उल्टा करके भी देखे तो उसका अंदर से भी उतनी ही सुंदर फिनिशिंग हो। तो जैसा ड्रेस का आउटफिट का जो इफेक्ट बाहर से जो दिखता है, अंदर से भी वो ऐसे ही डाइंग में इफेक्ट आएगा, तो वो एक बहुत ही फाइन फिनिशिंग वाला एक स्पेशल एफर्ट करके बनाया हुआ पीस लगता है। We'll be right back.
फाइनली इट्स द डे जब हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है और मैं अपनी फ्रेंड की वेट कर रही हूँ उसको इस ड्रेस का ट्रायल देने के लिए. आई एम सो एक्साइटेड, थोड़ी सी नर्वस हूँ बट मोर ऑफ एक्साइटमेंट कि उसको ये ड्रेस कैसी लगेगी. ये मेरे पास आउटफिट का दुपट्टा है और आप देख सकते हो इतना सुंदर बन के आया है. इसके बाद आपका क्यूरियोसिटी लेवल तो टॉप पे होगा, आप भी जरूर देखना चाहते हैं कि ये आउटफिट कैसा बन के आया है. आई एम सो मच इन लव विद दिस. वैसे हम जितनी भी साड़ीज में से कन्वर्ट करके आउटफिट्स बनाते हैं मुझे वो सब बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं. हम हर एक साड़ी में से पूरी दिलो जान से मेहनत करके उस पे डिजाइनिंग करके आउटफिट्स बनाते हैं एंड हमारे क्लाइंट्स को भी वो सब पीसेस हमेशा बहुत पसंद आते हैं. तो चलिए अभी मिलते हैं गुरजोत से. फाइनली आई एम हेयर एट जैस्मिनम स्टूडियो एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आई ट्रस्ट हर. आई नो शी गिव्स मी अ वेरी नाइस फिट, शी मेक्स मी लुक वेरी प्रिटी, she gives a looks that everybody likes about me. Finally, आज मैं वो ड्रेस लेने आई हूँ जैस्मिनम से जो एक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज जो वो साड़ी है मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट करी थी मेरी शादी के टाइम एंड आई नेवर वॉन्ट टू डिस्पोज इट ऑफ या मैं उसको कभी फेंकना नहीं चाहती थी बिकॉज दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि वो मम्मी ने बहुत ही प्यार से एंड दैट इज़ वन ऑफ माई मम्माज फेवरेट कलर. तो मैं आज वो वाली साड़ी में से जो मैंने ड्रेस बनवाई है जो आउटफिट मेरे को जैस्मिनम बना के दिया है एंड आई एम ईगर टू सी कि वो कैसा बना है, वो क्या बनाया है because I just gave साड़ी to her और मैंने बोला जो तेरे को अच्छा लगता है उसमें से बना दे and I don't know what she has made for me. Let's give a look to that piece and see how it looks on me. Oh my God, this doesn't look like a साड़ी. इसमें तो बिल्कुल साड़ी वाली लुक ही नहीं आ रही. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है it's a brand new dress and the combination is so well. बिल्कुल ये लग नहीं रहा कि it is a old साड़ी. बिल्कुल न्यू साड़ी, न्यू कलर कॉम्बिनेशन एंड इट केम आउट रियली वेरी नाइस. इसमें I can't make out ki saadi mein se piece bana hai. Nobody can make out. It came out very very nice piece and the best thing is it is actually suiting me the fitting and jo mere ko hamesha lagta hai ki main moti na lagu moti mein. Jasmine, this really came out very nice. Mere ko bahut acha lag raha hai. The combination is really very nice. Mere ko bahut maza aaya. Mujhe saadi wali isme kuch lag hi nahi rahi cheez ki main साड़ी को इस चीज में इस ड्रेस को हमने साड़ी से कन्वर्ट करा है. मोर ओवर मुझे लग रहा है कि ये इतना एवरग्रीन और जैसे वो रानियों और महारानियों वाला स्टाइल होता है ना वो वाली चीज लग रही है. दिस केम आउट वेरी एंड यू वांटेड एन ओम्ब्रे आउटफिट या इसमें आपका ओम्ब्रे भी ऐड कर दिया. ओम्ब्रे इज रियली गिविंग अ मोर लुक लाइक उसमें ट्रेडिशनल भी है मॉडर्न भी है. तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो फ्यूजन सा लग रहा है. मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है. ड्रेस की भी सेटिंग बहुत अच्छे से करी है कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है. साड़ी का बिल्कुल भी नहीं इसमें से आइडिया लग रहा है कि साड़ी में से ये मेरे को कुछ नहीं बोलने देगी. मेरे को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है बिकॉज शी इज अप्रिशिएटिंग. उसको खुद से ही अपने आप सारी उसकी तारीफें करी जा रही है. शी इज सो हैप्पी विद इट. हां आई रियली लव द आउटफिट. मेरे को बहुत मजा आया डाल के भी. और डू यू रिमेम्बर आज तक हमने कितनी साड़ियां कन्वर्ट करके आपके आउटफिट बनाए हैं? यू रिमेम्बर? मिक्सचर ऑफ यू नो हर तरह की साड़ी बनती. कुछ वर्क वाली होती है, कुछ बॉर्डर्स वाली होती है, कुछ वो कांजीवरम एंड वो उस टाइप की होती है. बट एवरी साड़ी विच शी कन्वर्टेड इन टू अ ड्रेस हैड अ डिफरेंट आइडिया. इट वॉज नेवर अ सूट, इट वॉज नेवर अ ड्रेस. एवरी टाइम इट वॉज अ न्यू आइडिया, न्यू इन्वेंशन गिवन टू अ ओल्ड साड़ी इन टू अ न्यू ड्रेस. मेरे को ये वाली साड़ी जब देखी थी तो मेरे को सबसे पहले आ रहा था कि इसमें से अचकन बनाते हैं. देन रिमेम्बर आई मेड दैट नेवी वाली साड़ी में से अचकन बनाई थी एंड देन आई वाज लाइक कि मैं पहले एक दो बार अचकन बना चुकी हूँ आपके लिए तो दिस टाइम आई एम नॉट डूइंग एन अचकन. ये वाला इज अ वेरी नाइस कंसेप्ट एंड वेरी ट्रेंडिंग वन and more wearable, everywhere wearable वाला piece. ये actually हमें बनाने के बाद हमें भी नहीं लग रहा कि यार ये साड़ी भी सब बनाया. It has come out so well. हाँ, it came out very nice, very nice and very pretty and color combination
जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी के साथ आपने हाईलाइट करा वो भी बहुत अच्छा लगा। ये वाला पार्ट पता है जो पल्ले में जो जाल था ना, ये स्लीव्स और ये योक वाला पार्ट हमने उसमें से लिया है। ओके, यू नो आपके पल्ले में उसमें ये जाल था, नीचे वीविंग जो थी वो उसकी आपकी साड़ी की थी, उसको हमने हाईलाइट किया। एंड बेस्ट पार्ट इज कि मैंने इसको एज अ साड़ी भी वेयर करा और अब मैं इसको एज अ ड्रेस भी वेयर कर रही हूँ, बिकॉज साड़ियाँ कहीं भी नहीं जाती। जो अच्छी साड़ी होती है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है वो हमेशा ही उसका फैब्रिक फाइन ही रहता है, तो अब ये मेरा बहुत ही अच्छा पीस बन गया। साड़ी में से आउटफिट बनाने का प्रोसेस एक अलग मजे का होता है, बट जब मेरे क्लाइंट्स के ऐसे रिएक्शंस आते हैं और इतना मेरे को प्यार मिलता है, उसका मजा ही अलग है। ऐसी पर्टिकुलर ब्रोकेड में और ऐसी वोवन साड़ीज में सिल्क साड़ीज की रेनोवेशन का, उनकी कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मेरे चैनल पे आ रही थी। आप लोग अगर और भी किसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको भी ये आउटफिट उतना ही पसंद आया जितना हम दोनों को लग रहा है तो वो भी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ऐसे और बहुत से वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।